ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कल सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी परिसर में एक बार फिर सर्वे का काम शुरू होगा। अगले 5 दिनों तक लगातार ये सर्वे होगा और टीम 17 मई को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस दौरान अगर कोई पक्ष सर्वे के काम में बाधा पैदा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी रणबीर का, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्ञानवापी सर्वे के जो कोर्ट कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा इस समय रणबीर के पास है। रणबीर, क्या कह रहे हैं अजय कुमार मिश्रा जी इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, जिस अजय जी के नाम पर विवाद शुरू हुआ था वो अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत आपके नाम पर विवाद शुरू हुआ, अल्टीमेटली अब आप ही रिटेन कर रहे हैं, आप ही सर्वे करेंगे, तो इसको एक जीत के तौर पर देखते हैं। सर, जीत क्या, मैं अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखता हूँ। और आज क्या हुआ कोर्ट में, क्या ऐसी दलीलें दी गई कि फिर आपको रिटेन कर लिया गया? हाँ, दलील तो जो भी दिया गया कल परसों में दिया गया है, आज तो केवल आदेश सुनाया गया है। क्या ऐसा कुछ था, आप लोगों ने ऐसा क्या पक्ष रखा था जो आप पे आरोप लगा कि आप खुरच रहे थे कुछ और गड़बड़ी का? नहीं, आरोप तो विपक्ष ने लगाया था, इसका मैंने खंडन भी किया कि भाई मैंने जो अभी तक कार्य किया उसको सद्भावपूर्वक ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से किया है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब तक आप अकेले थे, अब आप 3 लोग हो जाएंगे, तो ये जो 2 और एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर्स आ गए हैं, इनके आने से आपको कितनी सहूलियत होगी? बहुत सहूलियत होगी, जहाँ मैं अकेले कुछ निर्णय साथ न ले पाता, सहयोग से जो है और स्ट्रिक्ट निर्णय लिए जाएंगे, उसको जो है कार्रवाई को पूर्ण किया जाएगा जो। अच्छा, लोग अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर्वे शुरू कब होगा, कल हो जाएगा क्या सर्वे? अब सर, ये अब जो लोग नियुक्त हुए हैं उनसे बात करने के बाद ही समय निश्चित किया जाएगा उसको। कितना टाइम लगेगा सर? अभी आपने जब पिछली बार मेरी बात हुई थी आपसे, आपने कहा था 10% के आसपास सर्वे हो चुका है, तो 90% जो काम बाकी है कितना टाइम लगेगा? 90% काम है और वीडियोग्राफी और देखना ही काम है, लेकिन चूंकि बहुत ही संवेदनशील मैटर है इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है करना है, तो मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने समय निर्धारित किया है, अगर एग्जैक्ट समय से शुरू हुई कार्यवाही तो हम लोगों के पास प्रतिदिन 4 घंटे 8 से 12 समय मिल रहा है, 4 घंटे समय मिल रहा है पर्याप्त, तो अगर 4 घंटे लगातार कार्य किया जाए जो है तो हमें लगता है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए। तो टीम आपकी वही रहेगी, वीडियोग्राफर्स वगैरह बाकी जो भी लोग अंदर गए थे? अब अभी तक तो संभावना हमारी यही है, लेकिन जो लोग नए लोग नियुक्त हुए हैं उनसे बात करने के बाद ही फाइनल डिसाइड होगा। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहूँगा सर, ये प्रक्रिया क्या होती है, आप जब अंदर जाते हैं तो किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा समझा पाएंगे? हमें जो न्यायालय निर्देश देती है उसी के अनुसार कार्य शुरू किया जाता है। जैसे वीडियोग्राफी जो करनी है वो बहुत क्लोज जाकर के वीडियोग्राफी करते हैं कि दूर से लॉन्ग शॉट बना करके करते हैं, आप उसमें कुछ जाके और करीब से देखते हैं, वहीं पे रिपोर्ट बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, रिपोर्ट तो हम पूरा देखने के बाद ही बना पाएंगे, एक एक चीज़ की रिपोर्ट थोड़ बनेगी, ऑल ओवर रिपोर्ट हमको तैयार करके दाखिल करना है, तो जब तक पूरा जो है कार्रवाई खत्म नहीं होगी तब तक रिपोर्ट संभव नहीं है। तो बाकी जो 2 एडवोकेट कमिश्नर और उनसे अभी बातचीत हो पाई आप? नहीं, हमारी अभी बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी दोनों लोगों से मैंने बात की थी, उन लोगों का ये कहना है कि हम बहुत खुश हैं और ये एक सम्मान की बात है, तो आप भी मानते हैं कि ये एक बड़ा मौका है और आपके लिए भी सम्मान? सम्मान तो है सर, लेकिन सम्मान के साथ साथ आप न्यायालय की गरिमा बना के काम करें ये ज़्यादा माने रखता है। अच्छा, पिछली बार ऐसा क्या हुआ था, भीड़ कितनी थी सर कि आप लोगों को दिक्कत आई थी? अब वहाँ कई मुद्दे थे जिसको जो है यहाँ पे अब डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि न्यायालय भी थोड़ा लोग जानना चाहते हैं, मैं इसलिए मेरा मतलब ये है कि जो भी परेशानियाँ थीं उसको न्यायालय में रखा गया, बाकायदा उस पर जो है चर्चाएँ हुई और उसके बाद न्यायालय ने आदेश पारित किया हुआ है। तो जो परेशानियाँ थी उसको दूर करने के लिए सरकार कोर्ट ने क्या आदेश दिया? पूरी व्यवस्था एकदम क्लियर कट व्यवस्था दिया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। भीड़ हो सकती है अंदर? नहीं, न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि वहाँ पे जो पक्षकार हैं वो रहेंगे और कमिश्नर रहेंगे, बस, अदरवाइज नो पार्टी नो प्रेजेंस। एक सवाल जो सबके मन में था वो ये कि जो तहखाने की बात हो रही है जिसको खोलने को लेकर के आपत्ति थी, वो तहखाना खोला जा सकता है? न्यायालय ने खुलवाने का मौके पर आदेश दिया हुआ है, अब इसका पालन कौन करेगा ये भी आदेश जहाँ तक हमने सुनने में आया, न्यायालय मैंने आदेश अभी पढ़ा नहीं है कि उसमें आदेश है कि कौन उसको कार्य को अंजाम देगा जो है, बाकी चीज़ें
हर पक्ष आगे जाने के लिए स्वतंत्र, विपक्ष क्या करता है वो मैं नहीं कह सकता। उसका कहना खुलवाएंगे, अब न्यायालय का आदेश है तो खुलवाएंगे। खुलवाएंगे न्यायालय के आदेश के अनुसार, मेरे पास कुछ नहीं है। न्यायालय आदेश करे ही है तो उनको खुलवा के देखना ही है उसको। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी दावे कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं कि स्वास्तिक मिला है, कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, घंटियां दिखाई दे रही हैं, ओम का साइन दिखाई दे रहा है। कुछ दिखा हो अगर कुछ बता। इस पे सर ये न्यायालय की रिपोर्ट की चीज़ है, ये गोपनीय है। न्यायालय में आने के बाद तो आप सब लोगों को पता चली जाएगी। थोड़ा सा कुछ आपने अपनी आँखों से जो देखा, मैं वीडियोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, आपने एंट्री किया होगा तो कुछ नहीं सर, सॉरी इसमें मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, एक चलते चलते एक सवाल और सर, अभी तक ये था कि ज्ञानवापी जो है उसके बैरिकेटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होगी लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो मस्जिद के अंदर भी कुछ इस तरह के आप लोगों को प्रमाण मिले हैं या इस तरह के आप लोगों के पास दावे आए हैं क्या कि हाँ अंदर भी कुछ है, शिवलिंग है या कुछ ऐसा है जो आपको जाँच करने अंदर जाना ज़रूरी है? देखिए, हमको आदेश ये है कि वादी जहाँ जहाँ जिन जिन बिंदुओं को बताएगा उसको आपको निरीक्षण करना है। वादी ने कुछ तो पहले बताया होगा, क्या कहा? अभी तक तो जो बताया मैंने किया दो दिन की कार्रवाई में, इसके बाद की कार्रवाई जो अंदर जाने की प्रक्रिया थी वो किसी तकनीकी त्रुटि के कारण जो है वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए जो है। वादी तो यही कह रहे थे कि जब ताला खुलेगा तो अंदर शिवलिंग मिलेगा। वादी कह रहे हैं, आप हमसे क्यों कहवाना चाहते हैं सर? नहीं, मैं आपसे बस पूछ रहा हूं सर कि जो है मतलब वो दावा यही कर रहे हैं, तो मतलब आप वहां जाएंगे तो ये सब चीज़ कोर्ट में आपको पेश करके दिखानी है कि जो वादी का दावा है वो आपने देखा है उसमें क्या सही है क्या? अगर कुछ ऐसा रहा तो रिपोर्ट में सबमिट किया जाएगा। थोड़ा सा कुछ बता दें अगर आपने जो देखा हो। नहीं, हमें कुछ दिखाई दिया या नहीं दिया ये तो रिपोर्ट ही बता पाएगी आपको, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा इसमें। अच्छा, 17 तारीख को कितने बजे आप लोग रिपोर्ट दे देंगे? सर जो है भविष्य किसी ने नहीं देखा है, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं, ना जा पाऊं जो है। वैसे मेरी तबीयत नहीं सही है, वास्तव में नहीं सही है मेरी तबीयत तो, लेकिन ये काम रुकेगा नहीं मेरी तबीयत सही रहे या ना रहे। कोर्ट ने एक और बात कही है कि बड़े से बड़े अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि मदद करें, पिछली बार मदद मिली थी आप लोग को प्रशासन से? प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। हेलो, तो देखिए अजय कुमार मिश्रा जी जिन्होंने कहा कि प्रशासन ने मदद किया था और इस बार तहखाना खुलेगा, इन्होंने ये बड़ी बात कही है कि तहखाना खुलेगा और अंदर जाएंगे और कोर्ट के आदेश पर जो जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करेंगे और 17 तारीख को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।